नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 52 तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। सेक्शन 46 क्या कहता है साहब? ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाई पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ साल पहले ए और बी दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक घर खरीदा। कुछ पैसे ए ने दिए, कुछ बी ने दिए। अब वो घर बेचा जा रहा है सी को, तो सी 10 लाख रुपये में उस घर को खरीद रहा है। अब ये जो 10 लाख रुपए हैं, इसमें से कितना अमाउंट ए के पास जाएगा और कितना बी के पास, यही डिसाइड करता है सेक्शन 46। वो ये कहता है साहब कि अगर दोनों का इक्वल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर तो पैसा इक्वली शेयर हो जाएगा, यानी 5 लाख मिलेगा ए को, 5 बी को। लेकिन अगर अनइक्वल इंटरेस्ट है, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए कि भैया कितना पेमेंट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, इतना ए को और इतना बी को मिलेगा, इस चीज़ को लेकर के अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ऐसे केस में जो उनका डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है, मान लो 80% ए का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर, 20% बी का है, तो 10 लाख में से 8 लाख ए को मिलेंगे और 2 लाख बी को मिलेंगे। ठीक है जी। सेक्शन 47 में बात की गई है ट्रांसफर बाय को ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। जब मान लो 3-4 लोग मिलकर के एक प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं और उसमें से कुछ शेयर बेचा जा रहा है प्रॉपर्टी का, किसका बेचा जा रहा है ये स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, तो ऐसे केस में क्या होता है, है ना? तो यहाँ पर लिखा गया है विदाउट स्पेसिफाइंग दैट द ट्रांसफर इज गोइंग टू टेक इफेक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर शेयर और शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर्स, देन ट्रांसफर हैपन्स इक्वली ऑन ऑल शेयर्स एंड वेयर दे वर अनइक्वल प्रोपोर्शनेटली। तो या तो अगर हर एक जो मेंबर है उस प्रॉपर्टी का, जो ओनर है, शेयर ओनर है, उनका जो भी शेयर है, अगर वो इक्वल शेयर्स है तो इक्वली उनका शेयर कम कर दिया जाएगा जब भी वो प्रॉपर्टी बिकेगी। अगर प्रोपोर्शन में है, अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है उनका प्रॉपर्टी में, तो फिर उनका प्रोपोर्शनलिटली शेयर जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने 8 बीघा ज़मीन खरीदी थी कुछ साल पहले, 2 बीघा उसमें से वो बेच रहे हैं। लेकिन जिसको बेच रहे हैं, मान लो डी को बेच रहे हैं, उसको वो ये नहीं बता रहे कि ये 2 बीघे किसके हिस्से की है। ठीक है जी। तो अब किसकी ज़मीन कितनी कम होगी? अब ये जो ज़मीन है वो प्रोपोर्शन में कम की जाएगी। किस प्रोपोर्शन में? जिस प्रोपोर्शन में उनकी ओनरशिप है या इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो 50% ओन करता है, बी 25% और सी भी 25%। टोटल ज़मीन थी 8 बीघा, बिक रही है 2 बीघा, तो 2 बीघा कैसे कैसे कम होगी? 50% कम हो जाएगी ए की, 2 बीघा का 50% कितना है? 1 बीघा। तो 1 बीघा कम हो जाएगी ए की ज़मीन में से, और 0.5 बीघा जो आपकी ज़मीन है वो बी और सी की में से कम हो जाएगी, है ना? और ये जो 2 लाख रुपए हैं ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1 बीघा का मान लो 2 बीघा का टोटल प्राइस था 2 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए मिल जाएगा 1 बीघे के बदले ए को, और 50-50 हज़ार मिलेंगे बी और सी को, क्योंकि उनकी 0.5 बीघा यानी आधा बीघा ज़मीन पर पर्सन गई है। ठीक है जी। तो ये हमने 1 बीघा ए से ली और आधा बीघा बी से और आधा बीघा सी से, ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में उनकी ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी के अंदर, जो कॉमन शेयर है वो 25% सी के पास है, 25% बी के पास है और 50% ए के पास है। अगर ये इक्वली ओन करते उस ज़मीन को, तो फिर इनकी इक्वली ही ज़मीन जो है घट जाती, उसी प्रोपोर्शन में घट जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्वल होता तो 33.33% जो है सभी का ओनरशिप जो है ओन शेयर होता उस प्रॉपर्टी के अंदर, और जो 2 बीघा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 1/3 ए से जाता, 1/3 बी से और 1/3 सी से जाता। लेकिन क्योंकि डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट था, तो डिस्टिंक्ट तरीके से जो प्रोपोर्शन में उनकी ओनरशिप है उसी प्रोपोर्शन में उनका उनकी जो ज़मीन है वो घट जाती है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं साहब सेक्शन 52 में। यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन की बात की गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। लिस मतलब लिटिगेशन, मतलब जिसका मुकदमा चल रहा है, जिसकी प्रोसीडिंग हो रही है कोर्ट के अंदर। तो ऐसी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी को कोई भी ना तो ट्रांसफर कर सकता है ना, ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी ऑन द मैटर ऑफ एनी सूटर प्रोसीडिंग। सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। दूसरा ये देखना है कि जिस कोर्ट में चल रहा है क्या वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है, यानी कि क्या उस कोर्ट की अथॉरिटी है उस मैटर के ऊपर, उस एरिया के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लैंड केस चल रहा है गुजरात में, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि केस फाइल ही नहीं हो सकता वहाँ पर, वो पहले ही जो है वॉइड करार कर दिया जाएगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास होना चाहिए, केस चलना चाहिए, और विच इज़ नॉट कोल्यूसिव, यानी कि मिली भगत से कोई झूठा केस किसी ने कर दिया है जस्ट बिकॉज कि उसको प्रॉपर्टी जो है विवादित रखनी है अपने फायदे के लिए, तो ऐसे केस में उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि जो मैटर है वो पेंडिंग है, क्योंकि कोल्यूसिव है वो जो मैटर है ना।
तो कोल्यूसिव नहीं होना चाहिए एंड इन विच एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी अधिकार जो है चाहे डायरेक्टली या स्पेसिफिकली जो है वो उस मुकदमे का आधार है। अगर ऐसा कोई भी केस चल रहा है तो उसमें क्या होगा, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट बाई एनी प्रॉपर्टी। देखो ट्रांसफर नहीं हो सकती और अदरवाइज डेल्ट विद बाय एनी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि और भी किसी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल वो जमीन है तो जमीन के ऊपर तुम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो अगर वो विवादित है, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो या और भी किसी तरीके से उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जो दूसरी पार्टी है उसका राइट अफेक्ट हो जाए, है ना। उसके लिए आपको कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट की डिग्री का वेट करना होगा, जो भी ऑर्डर होगा उसी के हिसाब से आप कोई भी इस्तेमाल उस प्रॉपर्टी का कर सकते हो। अब ये जो पेंडेंसी है ये स्टार्ट कब होती है, ये स्टार्ट हो जाती है उसी डेट से जिस डेट को जो प्लेंट है, जो कंप्लेंट है वो प्रेजेंट की गई है कोर्ट के अंदर, और कब तक चलती है, जब तक फाइनल ऑर्डर या फाइनल डिक्री जो है कोर्ट पास नहीं कर देता और उसको अमल में नहीं लाया जाता, है ना। या तो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड दे दिया जाएगा कि भैया अगले एक महीने के अंदर इसको जो है अमल में लेके आना है, या फिर जिस दिन ऑर्डर आया है उसी दिन से वो जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो वो जो पीरियड है तब तक ये पेंडेंसी चलती है, ठीक है जी। और इस पेंडेंसी के दौरान आप ना तो ट्रांसफर कर सकते हो ना ही और किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पार्टीज टू सूट हैं, जो भी विवादित प्रॉपर्टी की तरफ जो मुकदमे का हिस्सा है जो पार्टीज, उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के अंदर, कोई भी पेरिफेरल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने कभी देखा है कि इसके एक तो बाप की प्रॉपर्टी है, केस चल रहा है बेटे के बीच में और भतीजे के बीच में, भैया भतीजा कहाँ से आ गया, वो तो पेरिफेरल इंटरेस्ट है, उसका तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं भाई, उसका कोई पहला हक थोड़ी बनता है प्रॉपर्टी के ऊपर, पहला हक तो बेटे का बनता है ना। तो इसलिए बेटे और भतीजे के बीच में केस नहीं होता, दो सगे बेटों के केस में जो दो सगे भाई हैं उनके बीच में केस हो सकता है, अगर उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी उनके बीच में झगड़ा है तो वो केस वैलिड है क्योंकि दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस के केस में कभी भी आप प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। उसमें अगर आपने ट्रांसफर कर भी दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। अगर कोर्ट का ऑर्डर, मान लो ए और बी के बीच में केस चल रहा था, विवाद चल रहा था किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, बी ने वो प्रॉपर्टी जो है सी को बेच दी, अब बी के फेवर में अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो ठीक है, बेच दी भी या सी खरीद लेगा उसको, ले लेगा उसके ऊपर जो है अपना कब्जा ले लेगा। लेकिन अगर बी के फेवर में कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, ए के फेवर में आता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइडेबल होगा, ठीक है जी, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसमें जो भी वैल्यू है वो कोर्ट के ऑर्डर की है, कोर्ट के अंदर अगर लिटिगेशन हो रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो कोर्ट का ऑर्डर ही फाइनली ये डिसाइड करेगा कि किसका कितना अधिकार है, और उस ऑर्डर से सभी पार्टी जो भी उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हैं वो सभी बाइंड होंगी, ठीक है जी। इसी के साथ सेक्शन 46, 47 और 52 समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।